फ्रेंड्स, इस कूलर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरीके के टीन के डब्बे की जरूरत पड़ेगी। ये आपको आसानी से किसी भी किराने की दुकान पे या फिर हलवाई की दुकान पे मिल जाएगी। तो हमें इसको सीधा करके यहाँ पर एक गोल शेप मार्क करके काट लेना है और पीछे की तरफ हम यहाँ पर जाली लगाने के लिए चौकोर शेप काट लेंगे और साइड साइड से भी काट लेंगे। तो चलो गाइस, पहले मार्क कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने गोल मार्क कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से काट के निकाल लेंगे। गाइस, आप देख सकते हो हमने यहाँ पर गोल शेप मार करके काट लिया है और ये काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर कट चुका है। गाइस, ये अभी काफी गर्म है तो मैं इसको यहाँ से नहीं निकाल रहा हूँ। अब हम इसके पीछे तरफ भी यहाँ पर चौकोर शेप काट लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो हमने इसको सामने की तरफ से गोल शेप और पीछे की तरफ से चौकोर शेप में काट लिया है। अब हमें इस तरीके के सैंड पेपर से जहाँ जहाँ से हमने इस टीन के डब्बे को काटा है वहाँ से घिस लेना है, क्योंकि ये काफी नुकीले हो गए हैं, नहीं घिसने पर इससे चोट लग सकती है। तो गाइस, आप देख सकते हो हमने इसको अच्छे तरीके से घिस लिया है। अब इस टीन के डब्बे में कोई भी नुकीला हिस्सा नहीं बचा है और इसे हमें अब चोट भी नहीं लगेगा। तो चलो गाइस, अब हमारे कूलर के लिए हम जाली बना लेते हैं, जैसा कि हमारे घरों के नॉर्मल कूलर्स में होता है। अब हमें कूलर की जाली बनाने के लिए कुछ इस तरीके के जाली का यूज करना है। ये जो जाली होती है ये आपको आसानी से किसी भी हार्डवेयर के शॉप पे सस्ते दाम पे मिल जाएगी। अब हमें इस तरीके के कूलर की जाली में डाले जाने वाले घास को ले लेना है। ये जो घास है ये आपको आसानी से किसी भी कूलर रिपेयरिंग के शॉप पे मिल जाएगी। अब इस घास को हमें दोनों जालियों के बीच कुछ इस तरीके से डालकर इसे तार से बांध लेना है। तो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो जो हमारा जाली है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो यहां पर इसको हमने यू शेप में मोड़ लिया है ताकि ये हमारे कूलर में फिट हो सके। तो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो हमने इसको कॉपर के वायर से सारे जगह से अच्छे तरीके से बांध लिया है और हमने साइड साइड से भी इसको कॉपर के वायर से बांध लिया है। अब हम इस कूलर में अंदर की तरफ से इस जाली को लगाने वाले हैं, तो चलो इस जाली को इस पे लगा लेते हैं। तो गाइस, आप यहां पर देख सकते हो हमने जाली को इस पर लगाने के लिए यहां पर कुछ छोटे छोटे होल्स कर दिए हैं। अब हम इन छोटे छोटे होल्स में कुछ इस तरीके के स्क्रूज के मदद से जाली को यहां पर फिट कर देंगे। अब हमें अंदर की साइड जो स्क्रूज निकले हुए हैं इन पे पीवीसी शीट के इस तरीके के टुकड़ों को कस देना है। तो आप यहां पर देख सकते हो हमने सारे स्क्रूज पे अच्छे तरीके से पीवीसी शीट को कस दिया है और ये जो जाली है वो यहां से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला, चाहे हम इस पे कितना भी फोर्स लगाएं। अब हमें इस तरीके का लेवल पाइप ले लेना है। ये आपको आसानी से किसी भी हार्डवेयर के शॉप पे मिल जाएगी। अब हमें इस पाइप को हमारे जाली के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है, पर उससे पहले हम पानी गिरने के लिए इस पर होल्स कर लेंगे। तो चलो गाइस, इस पर होल कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से होल कर लिया है। अब हमें इस पाइप के लास्ट वाले सिरे को ग्लू से सील कर देना है ताकि इससे पानी न निकले। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर अच्छे तरीके से सूख चुका है। अब हमें इस तरीके का कॉपर का वायर ले लेना है और इस कॉपर के वायर से जाली के ऊपर हमें पाइप को अच्छे तरीके से बांध लेना है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर पाइप को जाली से बांध लिया है। अब जो पाइप से आने वाला पानी है वो सीधे सीधे हमारे इस जाली पर गिरेगा। तो गाइस हमने कूलर के राइट साइड में इस तरीके का चौकोर शेप मार्क करके काट लिया है और यहाँ पर हम इस डीसी सॉकेट और स्विच को लगाने वाले हैं। पर उससे पहले हमें यहाँ पर मोटर को लगाने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके के लकड़ी के टुकड़े का यूज करेंगे। इसका जो डायमेंशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 24 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो लकड़ी है वो हमारे कूलर पर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट आ रहा है और यहाँ पर जो हमारा मोटर है उसको हम लगाएंगे। तो गाइज हम इस कूलर पे इस वाले डीसी मोटर का यूज कर रहे हैं। आप इसके जगह पर 775 डीसी मोटर का भी यूज कर सकते हो। अगर आप इस मोटर को खरीदना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप वहां से इसको खरीद सकते हो। अब हमें इस मोटर को लकड़ी के टुकड़े पे यहाँ पर लगाना है, तो इसको लगाने के लिए हमें क्लैंप बनाना पड़ेगा। तो क्लैंप बनाने के लिए हमें इस तरीके के पीवीसी शीट को ले लेना है और इसको गर्म करके हमें इस तरीके का क्लैंप बना लेना है। मैंने इसको पहले से ही बना लिया है और यहाँ पर मार्क भी कर रखा है। अब हमें इस जगह पर हमारे शाफ्ट के लिए छेद कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हो हमने यहाँ पर क्लैंप बना लिया है और इसके होल्स और हमारे मोटर के होल्स बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो गाइज हमने लकड़ी पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से होल कर लिया है और हमने साइड साइड से भी यहाँ पर होल कर लिया है, जिससे ये जो लकड़ी है वो स्क्रू लगाते टाइम नहीं फटेगी। अब हम इस क्लैंप को लकड़ी पर कुछ इस तरीके से लगा कर इसे स्क्रू से टाइट कर देंगे। ये जो क्लैंप है वो लकड़ी पर लग चुका है। अब हमें इसको हमारे कूलर पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से यहाँ पर लग चुका है और ये जो हमारा क्लैंप है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अब हमें इस तरीके के 5 वोल्ट के डीसी वाटर पंप को ले लेना है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहां से इसको खरीद सकते हो। यहाँ पर हमने वाटर पंप के वायर को अच्छे तरीके से जाली पर कॉपर के वायर से बांध दिया है। तो गाइस हमने डीसी मोटर के वायर को लंबा कर लिया है, तो चलो हम इसको क्लैंप पर लगा लेते हैं। तो गाइस आप यहां पर देख सकते हो मैंने पीवीसी शीट पर डीसी सॉकेट और स्विच के लिए यहां पर जगह कट कर ली है। अब हम इस पर डीसी सॉकेट और स्विच को लगा देंगे। तो आप यहां पर देख सकते हो मैंने डीसी सॉकेट के प्लस को दोनों स्विच के एक एक पिन से कनेक्ट कर दिया है। अब हमें मोटर के प्लस के वायर को स्विच से और माइनस के वायर को डीसी सॉकेट के माइनस पर कनेक्ट कर देना है। तो गाइस ये जो हमारा मेन मोटर है ये 12 वोल्ट पर वर्क करता है और ये जो डीसी वाटर पंप है ये 5 वोल्ट पर वर्क करता है। तो इसको 5 वोल्ट देने के लिए हमें इस तरीके के 7805 आईसी को ले लेना है और इस आईसी को हमें इस तरीके के हीट सिंक पे लगा लेना है। इस पे ये जो पहला पिन है ये 12 वोल्ट इनपुट का है, ये माइनस का है और ये वाला 5 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आईसी के माइनस को डीसी सॉकेट के माइनस से और प्लस को स्विच से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर हमने प्लस के वायर को 12 वोल्ट इनपुट पर कनेक्ट कर दिया है और माइनस को मिडिल वाले लेग से कनेक्ट कर दिया है। हमने इसी पर वाटर पंप के माइनस को भी कनेक्ट कर रखा है और इस वाले लास्ट पिन पर हमने वाटर पंप के प्लस को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इस होल में इस आईसी को हीट सिंक से कुछ इस तरीके से अटैच करके नट बोल्ट की मदद से अंदर की साइड से यहाँ पर लगा देना है। गाइस आप यहां पर देख सकते हो ये हीट सिंक और आईसी अच्छे तरीके से यहां पर लग चुका है और ये अब बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अब हमें हमारे वाटर पंप पर पाइप को कुछ इस तरीके से लगा लेना है और इसको लगाने के बाद हमें इसको कॉपर के वायर से अच्छे से टाइट बांध देना है।
तो गाइस अब हमें इस तरीके का फैन ब्लेड ले लेना है। ये आपको आसानी से आपके लोकल मार्केट पे 20-30 रुपए में मिल जाएगी। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप वहां से इनको खरीद सकते हो। अब हमें इसको हमारे मोटर पर कुछ इस तरीके से लगा लेना है। तो गाइस आप देख सकते हो ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर लग चुका है। तो गाइस हमने जाली को कुछ इस तरीके से गोल शेप में काट लिया है और अब हम इसको हमारे कूलर पर लगा देंगे। तो गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो हमारा कूलर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और आप लोग यहां पर देख सकते हो ये काफी अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है जैसा कि मार्केट में मिलता है। तो गाइस अगर आप इसको चाहो तो ऐसे ही यूज कर सकते हो, पर हम इसको बहुत ही लंबे समय तक यूज करने वाले हैं, तो चलो इस पर पेंट कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो हमने इस पर पेंट कर लिया और ये पेंट करने के बाद काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर डीसी सॉकेट है जिससे हम हमारे कूलर को 12 वोल्ट देने वाले हैं और ये दो स्विच है जिनसे हम मोटर और पंप को चालू करेंगे और इस पर पीछे की तरफ यहाँ पर जाली लगा हुआ है जिससे ये भींगने के बाद ठंडी ठंडी हवा खींचेगा। और गाइस अब यहाँ पर हमारे कूलर के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया हुआ है और आप इस हैंडल की मदद से इस कूलर को कहीं भी पकड़ कर ले जा सकते हो क्योंकि ये काफी हल्का है। तो गाइस इस हैंडल के बगल में यहाँ पर एक होल दिया हुआ है जिससे हम हमारे कूलर में जब भी पानी कम होगा इस पे पानी भर सकते हैं। तो चलो गाइस इसको पानी भर के इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस अगर आप चाहो तो इस तरीके के 12 वोल्ट की बैटरी से इसको चला सकते हो, पर मैं इसके जगह पर 12 वोल्ट के अडैप्टर का यूज कर रहा हूं। तो चलो हम इसको डीसी सॉकेट से कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो चलो पंखे को ऑन करके देखते हैं कि इससे कैसी हवा आ रही है। तो गाइस हमने फैन चालू कर दिया और आप यहां पर सुन सकते हो इससे काफी तेज हवा निकल रही है। तो चलो गाइस हम इसके पंप को भी चालू कर देते हैं। तो गाइस इसका जो पंप है वो चालू हो चुका है। कुछ देर में जब इसकी जालियां भींग जाएगी तो ये काफी ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर देने लगेगा। आप देख सकते हो इसकी जो जालियां हैं वो अच्छी तरीके से धीरे धीरे यहाँ पर भींग रही है और जैसे ये जालियां भींगेगी हमारा कूलर हमें ठंडी ठंडी हवा देने लगेगा। तो चलो गाइस इस पन्नी से देखते हैं कि हमारा जो कूलर है वो कितनी तेज हवा यहाँ पर दे रहा है। तो आप देख सकते हो गाइस ये पन्नी काफी तेज यहाँ पर उड़ रही है, मतलब जो हमारा ये कूलर है बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और यहाँ से काफी तेज हवा निकाल रहा है। तो गाइस ये जो कूलर है काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, आप इसको आसानी से अपने घर पे बना सकते हो और इस गर्मी में ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हो। तो गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम आपसे फिर मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो पे।